मेरा नाम डॉक्टर आमिर मशीक है। मैं यहाँ के ऊपर एज एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और मेडिसिन स्पेशलिस्ट के तौर पर प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं बताने लगा हूँ फिजियोथेरेपी की अहमियत कुछ डिजीज़ के अंदर, जिनमें मैं स्टार्ट करूँगा स्ट्रोक के साथ। स्ट्रोक जिसे आप फालिश कहते हैं, हमारे यहाँ लोगों को ये थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन है कि जब स्ट्रोक हो जाए तो उसका इलाज किस तरह का होगा। स्ट्रोक के बाद जो इलाज है वो रिहैबिलिटेशन कहलाता है। रिहैबिलिटेशन मीन्स यानी कि उसमें हम फालिश की वजह से जब जिस्म की बहुत सारी एक्टिविटीज लूज हो जाती है, जैसे एक बंदा जो चलता फिरता है तो वहां हमारा काम होता है कि हम स्कैन करके देखेंगे कॉज क्या था, उस कॉज को टेस्ट करें। किसी को हाइपरटेंशन की वजह से हुआ, किसी को हाई डायबिटीज मेलिटस की वजह से हुआ, किसी को वैस्कुलाइटिस की वजह से हुआ, या कोई ब्लड थिनर के ऊपर था तो उसको ब्लीड हो गया होगा। तो यानी कि इसके मुख्तलिफ कॉजेज हैं जिसकी वजह से उनको फालिज होता है। अब जब फालिज हो गया, हमारा काम है कि उसको पता करें कि वो किस वजह से हुआ और उसको ट्रीट कर दें। किसी को ब्लड प्रेशर तो उसको फिजियोथेरेपी उसमें एक बहुत स्लो प्रोसेस है जिसमें हम आराम से मसल्स के एक्सरसाइज करके रिगेन स्ट्रेंथ की तरफ जाते हैं। ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता रिगेन होती है स्ट्रेंथ, और पेशेंट जो पोस्ट स्ट्रोक स्ट्रोक के बाद या मालिश के बाद जो अपना वो हिस्सा जिसका यूज नहीं कर सकता, वो एटलीस्ट इस काबिल हो सकता है कि वो अगर वो हाथ में कोई हिदाय नहीं पड़े अगर वो हाथ उठा पाता है और उसमें कमजोर है तो इतना उसमें एक्सरसाइज के जरिए उसकी इतनी स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है कि उससे इंडिविजुअली और इंडिपेंडेंटली अपनी जो है ना वो लाइफ गुजार सकता है। तो मेरा जो है ना ये बिल्कुल बहुत इसमें मानना है कि स्ट्रोक की मालिश की इलाज में मेडिसिन से ज़्यादा रिहैबिलिटेशन थेरेपी का है जो कि बेड के ऊपर चले गए हैं, इवन कि वो बेड के ऊपर भी चले गए हैं तो तब भी उनको जरूरत है कि वो किस तरीके से वो साइड उठ के बदले जाए ताकि उनको मसल रेस ना हो, ताकि उनका अल्सर ना बने। इस चीज़ के लिए बड़ी लाजम है कि आप लोग फिजियोथेरेपिस्ट को इन्वॉल्व करें। थैंक यू।